हेलो एंड हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। द स्काई इज पिंक के सेट पर थमे नहीं प्रियंका के आंसू, रोते हुए मांगी प्रियंका ने माफी। प्रियंका चोपड़ा की फिल्म द स्काई इज पिंक का ट्रेलर धूम मचा रहा है। ट्रेजिक लव स्टोरी पर बनी मूवी में प्रियंका के अलावा फरहान अख्तर, जायरा वसीम और रोहित शरफ लीड रोल में है। इस फिल्म को प्रियंका चोपड़ा ने काफी चैलेंजिंग बताया है। अब द स्काई इज पिंक की डायरेक्टर सोनाली बोस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि शूटिंग के दौरान ऐसा भी मोमेंट आया जब प्रियंका बेहद इमोशनल हो गई थी, उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक इंटरव्यू में सोनाली ने कहा, एक इमोशनल सीन था जहां एक सीन के बाद प्रियंका का ब्रेकडाउन होना था। जब मैंने कट कहा, मैंने प्रियंका को हग किया लेकिन उनका रोना बंद नहीं हुआ। वो रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दो, अब मुझे समझ आ रहा है बच्चे को खोने का दर्द। फिल्म द स्काई इज पिंक में एक्टर रोहित शरफ ने ईशान का रोल निभाया है। ट्रेलर में प्रियंका ईशान को प्यार से इश्लू कहती दिखाई दी। डायरेक्टर सोनाली बोस के बेटे का नाम भी ईशान ही था। ये फिल्म मेरे बेटे ईशान की मौत से जुड़ी हुई है, मैंने भी अपना बच्चा खोया है तो मैं उन इमोशंस को समझती हूँ। मैं दो पेरेंट्स और उनके दुख के बारे में आसानी से लिख सकती हूँ। मैं अदिति और नरेन की कहानी की तरफ खींची चली गई क्योंकि मेरे लिए ये इंस्पायरिंग स्टोरी थी। द स्काई इज पिंक सिनेमा घरों में 11 अक्टूबर को रिलीज होगी। 13 सितंबर को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019 में मूवी का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ। इस दौरान प्रियंका चोपड़ा भावुक हो गई थी। सोशल मीडिया पर प्रियंका की इमोशनल होते हुए तस्वीरें भी सामने आई है जिसमें प्रियंका अपने आंसू पोंछती नजर आई। बाद में प्रियंका ने सोनाली बोस और फरहान अख्तर को गले लगा लिया था। बता दें कि ये मूवी 25 देशों में रिलीज होगी। ये फिल्म आयशा चौधरी की जिंदगी की कहानी पर बेस्ड है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस से ग्रसित होने के कारण आयशा की मौत महज 18 साल की उम्र में हो गई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।